क्या आप सभी को पता है सलमान खान बिग बॉस होस्ट करने के कितने करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो भी मंथली और पूरे सीजन के? यकीन मानिए, जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप सब बता दो बॉलीवुड के अंदर अच्छे अच्छे स्टार अपने पूरे लाइफ के अंदर इतने करोड़ रुपए नहीं कमा पाए जितने सलमान खान सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस होस्ट करके पूरे सीजन के अंदर इतने करोड़ कमाने वाले। तो मैं आपको उनका पूरा चार्ज बता देता हूँ कि मंथली कितना कमाने वाले और पूरे सीजन के अंदर कितने करोड़ रुपए लेने वाले। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको बिग बॉस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आपको सारी अपडेट यहीं मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है और बगैर सलमान खान के बिग बॉस कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बिग बॉस OTT किसने होस्ट किया था? अनिल कपूर ने। हालांकि कई सारों को पसंद आते, लेकिन कई सारे लोग सलमान खान को मिस कर रहे थे और सलमान खान का जो फेज है वो बिग बॉस वाला फेज है। अगर सलमान खान की जगह कोई और आता तो TRP गिरती, लेकिन ऐसे में आप सुधा दू फिर से सलमान खान को बिग बॉस 18 के अंदर लाया गया, क्योंकि बगैर सलमान खान के बिग बॉस कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि सलमान खान बिग बॉस 18 को होस्ट करने के लिए क्या मंथली चार्ज कर रहे, कितने करोड़ रुपए ले रहे और पूरे सीजन के अंदर कितने करोड़ रुपए ले रहे हैं। बोला जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है जहां पे क्लियर ये बताया जा रहा है कि सलमान खान बिग बॉस 18 होस्ट करने के लिए जो मंथली पेमेंट ले रहे, जो मंथली चार्ज ले रहे हैं, जहां पे आप सभी को पता हो कि चार वीकेंड के बाद आते सैटरडे संडे, वहां पे आप सबको बता दो चार्ज ले रहे ना, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ सकते। 60 करोड़ रुपए पर मंथ ये चार्ज ले रहे हैं बिग बॉस होस्ट करने के, 60 करोड़ रुपए। हाँ भाई, कई सारे बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने 60 करोड़ शायद अभी तक नहीं कमाया होगा, लेकिन सलमान खान सिर्फ एक मंथ यानी कि चार वीकेंड के बाद होस्ट करने के 60 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और ऐसे में आपसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे सीजन के कितने रुपए हो रहे, यानी कि 240 करोड़ रुपए, 240 करोड़ रुपए सलमान खान चार्ज कर रहे हैं बिग बॉस होस्ट करने के। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए सलमान खान का पावर कितना है, सलमान खान की फेस की वैल्यू कितनी है। और बगैर सलमान खान के बिग बॉस कोई चला भी सकता नहीं, बगैर सलमान खान के बिग बॉस चल भी सकता नहीं। कई बार ये ट्राई किया गया बिग बॉस की टीम की तरफ से कि भाई सलमान की जगह दूसरे को लाया जाए, बिग बॉस चलेगा, तो लेकिन वो चलता नहीं। लेकिन जैसे सलमान खान आते हैं तो लोग सलमान खान को देखने के लिए आते हैं, वीकेंड का वार देखने के लिए आते हैं। और सलमान खान आप जो चार्ज कर रहे ना पर मंथ 60 करोड़, और पूरा अगर आप सीजन की बात करेंगे तो 240 करोड़, जो कि अपने आप में अच्छी खासी रकम होती है, इतनी रकम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।